लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इन तारीखों ने एक नए विवाद को खड़ा कर दिया है। अर्थात 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों में 5वां चरण 6 मई को होगा, यानी 6 मई को देश के सबसे बहुमूल्य राज्य यानी पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में वोटिंग की जाएगी। 6 मई से ही रमजान शुरू होंगे, जिससे मुसलमान नेताओं और मौलानाओं ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इन तारीखों में बदलाव की मांग भी की है। कोलकाता के मेयर और तृणमूल कांग्रेस नेता फिरहाद हाकिम ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और हम उनका सम्मान करते हैं। हम चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन 7 फेज में होने वाले चुनाव बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कठिन होंगे। इतना ही नहीं, इन चुनावों में सबसे ज्यादा परेशानी मुसलमानों को होगी, क्योंकि वोटिंग की तारीखें रमजान के महीने में रखी गई हैं। मुसलमान रोजा रखेंगे और अपना वोट भी डालेंगे, ये बात चुनाव आयोग को ध्यान में रखनी चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी के नेता फिराद हाकिम ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। फराद हाकिम ने आरोप लगाया कि बीजेपी चाहती है कि अल्पसंख्यक अपना वोट ना डाल पाए, लेकिन हम चिंतित नहीं हैं। लोग अब बीजेपी हटा देश बचाओ के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहला चरण 11 अप्रैल को तो दूसरा 18 अप्रैल को होगा। इसके बाद तीसरा 23 अप्रैल को, चौथा 29 अप्रैल को, पांचवा 6 मई, छठा 12 मई और सातवां चरण 19 मई को रखा गया है। वोटों की मतगणना 23 मई को होगी।